पौष माह में विष्णु पुराण सुनने का विधान है और इसी कड़ी में हम आज विष्णु पुराण के चौथे अध्याय के साथ जुड़े हैं। क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाते रहे और अपना पूरा भुज बल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे। देवताओं ने अपने बल का पूरा पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रक्रिया में वासुकी महासर्प ने विष उगल दिया। यह विष ज्वालाएं बिखेरने लगा। इन ज्वालाओं में कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था कि इस हलाहल से पूरा लोक ध्वंस हो जाएगा। उसी समय मंदराचल पर्वत भी समुद्र के अंदर डूब गया। सब ने शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोककर लोक की रक्षा की। वे गरल कंठ कहलाए गए। विपत्ति टली पर पर्वत डूब गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने बड़े कच्छप के रूप में कुर्मा अवतार लिया और समुद्र में डूबे पर्वत को अपनी पीठ पर ढोते हुए ऊपर ले आए। कच्छप बनकर मंदार पर्वत को ढोते हुए विष्णु ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वताग्र पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबाकर रखा और जिससे वह इधर उधर ना हिले डुले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वे समुद्र को मथने के काम में लगे रहे। यूं विष्णु बहु रूपों में दिखे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र लक्ष्मी कल्पवृक्ष कामधेनु एरावत हाथी उच्चैश्रवा घोड़ा सुरा नामक नशा और उत्तेजना प्रदान करने वाला पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ के हलाहल के ताप के उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर बने। लक्ष्मी देवी ने श्रीवत्स कौस्तु मणियों की वैजयंती माला पहनाकर विष्णु भगवान से विवाह किया और विष्णु लक्ष्मीकांत बने। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लिए अनेक औषधियों को धारण किए विष्णु पद्मनाभ पर आसीन हो समुद्र से होते हुए प्रकट हुए। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया तब प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कितनी ही विशेषताओं के घटने के उपरांत और दैव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसीलिए श्रम से साधा जाने वाला काम सागर मंथन कहलाता है और वह उसका पर्यायवाची शब्द बन गया। धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत कलश था उसे राक्षस उड़ा ले गए और दावा किया गया कि यह हमारा ही है। राक्षसों और देवताओं में मुठभेड़ हुई। जब दोनों के बीच यह छीना झपटी हो रही थी तब मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगत मोहिनी वहां प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर राक्षस उस पर रिझ गए। मोहिनी ने राक्षसों से कहा, अमृत मुझे दो, मैं बांटूंगी। उसकी बातों में आकर राक्षसों ने कलश उसको सुपुर्द कर दिया। राक्षस एक तरफ बैठे तो देवता दूसरी तरफ। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जगत मोहिनी नृत्य करने लगी और अमृत बांटने को सनंद हो गई। निश्चेष्ट होकर देवता एकटक उसकी ओर देखने लगे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए। उन्हें अपनी सुधबुद्ध भी नहीं रही। देवताओं को भी पहले यह ज्ञात नहीं था कि आखिर यह मोहिनी है कौन, पर जब उन्होंने देखा कि वह देवताओं को ही अमृत पिला रही है और राक्षसों को छल कर रही है तब वे जान गए कि मोहिनी और कोई नहीं बल्कि साक्षात विष्णु भगवान के रस रूप पधारे। इसीलिए वे चुपचाप अमृत पीते गए। जहाँ देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन करते हुए अमृत तो पा रहे थे वहाँ दैत्यों ने जगत मोहिनी के माया जाल में फंसकर उन्मत्त होकर अमृत खो रहे थे। राहु नामक एक होशियार राक्षस ने जान लिया कि जगन मोहिनी राक्षसों को छल रही है। वह जल राक्षसी सिंह का पुत्र था, बड़ा ही मायावी है। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है तो उसने स्वयं देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया।
सूर्यचंद्र ने उसकी यह धूर्तता देखी और उन्होंने मंदर पर्वताग्र पर आसीन बहुरूपी विष्णु को यह विषय सूचित किया। विष्णु ने अपना चक्र राक्षस को मार डालने भेजा। विष्णु के चक्र से बचने के लिए राहु ग्रहों में चक्कर काटता रहा और आखिर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चक्र ने वहां भी उसका पीछा किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ सजीव ही रहे। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में दो ग्रहों में परिवर्तित हो गए, ग्रह राशि में सम्मिलित हो गए। राहु केतु ग्रहों के कारण अब 9 ग्रह हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर बहुत क्रोधित थे क्योंकि उन्हीं के कारण उसकी पोल खुल गई थी। प्रतिकार की भावना से वे अमावस्या और पूर्णिमा के पूर्व के पर्व दिनों में उन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे। यूं सूर्य चंद्र ग्रहण बने। पूरा का पूरा अमृत देवताओं को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी त्रुटि मालूम तो हो गई, तब से लेकर वे विष्णु और देवताओं के कट्टर दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के द्वारा विष्णु ने कुर्मावतार, धन्वंतरी का अवतार और मोहिनी का अवतार किया धारण, और धन्वंतरी अमृत के साथ साथ औषधियाँ और औषधि वेद भी ले आए। वैद्य शास्त्र के अधिदेवता और वैद्यों के कुलदेव के रूप में धन्वंतरी की पूजा होने लगी। जगत मोहिनी, विश्व मोहिनी माने जाने वाली और सौंदर्य और विलास का प्रतीक बनी। नारद जगत मोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगत मोहिनी राग को महती विनाश पर झंकृत करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने यह सुनकर नारद से कहा, अधम और नीच राक्षसों को छलने मात्र से क्या जगत मोहिनी कहलाने के योग हो जाएगी? हाँ माते, किसी को भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य और हाव भाव से विश्व भर को अपने बस में कर लेने वाली जगत मोहिनी ही तो है, कहते हुए नारद वहां से चले गए। पार्वती जी ने यह बात शिव जी से कही। शिवजी मुस्कुराते हुए चुप रह गए। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर बैकुंठ गए। शिवजी और विष्णु भगवान से कहा, तुम्हारे जगत मोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है, इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई न कोई वेश धारण करना ही पड़ता है, तुम्हारे लिए भी यह बाएँ हाथ का खेल है विष्णु, यूँ कहते हुए अंधर ध्यान हो गए। इतने में शिव ने जगत मोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते और गाते हुए देखा। शिव जी सब कुछ भूल गए और उनके पास गए, पर जगत मोहिनी उनके हाथ नहीं आई और वह विश्व आकाश में घुस गई। हाथ फैलाते हुए शिव उनका पीछा करने लगे। पार्वती जी स्तंभित होकर यह दृश्य देखती रह गई। शिव मोहिनी के इस लीला विनोद को ब्रह्मा आदि देवता बड़े ही चाव से देखने लगे। नंदी निश्चेष्ट होकर देखता रहा। नारद महती वीणा पर शिव रंजनी राग को झंकृत कर रहे थे। आगे आगे जगत मोहिनी और पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए गए और कुछ ही समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती जी कैलाश पहुंच गई। जगत मोहिनी तेज मंडलों से होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमाया और कैलाश पहुंची। शिव जी को उसे छूने से मना करती हुई जब पार्वती जी के पास जाने लगी, तब शिव जी ने उसकी कमर पकड़ ली। देखा आपका पतिदेव कितना नटखट है, कहती हुई भय के मारे वह पार्वती जी के पास खड़ी हो गई। देखते देखते जगन मोहिनी पार्वती के सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हुई। भ्राते, आप विश्व मोहन जगत मोहिनी के स्वामी हैं, यह सब कुछ शिव केशव लीला नाटक है। पार्वती ने विष्णु से पूछा। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा, कहते हुए बिना बजाते नारद वहां पहुंचे। जगत मोहिनी और शिव रंजनी राग में हरिहर की लीलाओं का गान करते हुए तीनों लोकों में विचरने लगे। शिव ने विष्णु से कहा, अमृत भुलाकर राक्षस तुम्हारे जिस जगत मोहिनी रूप को निहारने में मग्न हो गए, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। रस पिपासा असुरों की धरोहर है। विष्णु ने मुस्कुराते हुए
पार्वती से कहा, कहीं ऐसा ना हो जब हमारी गंगा भविष्य में आकाश से पृथ्वी पर उतरने जा रही हो तब तुम्हारे पतिदेव उसे कहीं तुम्हारी सौतन न बना ले। कहते हुए विष्णु अदृश्य हो गए। इसके बाद कालक्रम में विष्णु ने कदम प्रजापति देवहूति का पुत्र बनकर कपिलावतार लिया। बचपन से ही तपस्या करके ज्ञान संपन्न होकर कपिल महामुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल ने अपनी माता देवहूति को अनेकों तत्वों का बोधन किया जो संख्या योग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब कपिल महर्षि पाताल लोक में निर्विराम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे तब पृथ्वी पर सगर सम्राट सौवा अश्वमेघ यज्ञ करना चाह रहे थे। इंद्र ने यज्ञ के अश्व को उस गुफा में छुपा दिया जिसमें कपिल महर्षि तपस्या कर रहे थे। सगर के हजार पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने कपिल महर्षि की गुफा देखी। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही घोड़े की चोरी की है और उनका तप जप केवल ढोंग है। कपिल ने आंखें जब खोली तब सबके सब जलकर राख हो गए। उन भस्म राशियों पर विष्णु पाद रखे गए और स्वर्ण में मंदाकिनी की तरह प्रवाहित हो रही गंगा स्वर्ग में जो थी वो पृथ्वी पर ले आने के लिए सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की और गंगा को प्रसन्न किया। साथ ही गंगा के बेग को सह सकने वाले शिवजी की तपस्या करके उन्होंने उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। गंगा अवतरण के समय गंगा देवी को देखकर शिव उस पर मुग्ध हो गए और उसने अपने जटाजूट में कसकर बांध लिया। फिर भगीरथ की प्रार्थना पर उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भगीरथ के साथ गई और उसके पूर्व जो कि भस्म राशियों पर प्रवाहित होकर उन्हें पुण्यलोक भेजा। परम शिव गंगाधर बने और यूं गंगा पार्वती की सौत हुई। सनक नंद आदि मुनि कहलाए जाने वाले सनक सनंद सनत्सु सनत कुमार आदि चार मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सदा वे बालक ही बने रहते हैं। विष्णु भक्ति में तत्पर होकर विष्णु का गुणगान करते हुए सभी लोकों में विचरते रहते हैं। विष्णु के दर्शन करने वे वैकुंठ गए। सब द्वारों को पार करते हुए विष्णु मंदिर के द्वार पर पहुँचे। विष्णु के ही रूप में जय विजय वहाँ के द्वारपालक हैं। उनके चार चार हाथ हैं। उन हाथों में चक्र शंख गदा अभय मुद्रा है। उन दोनों ने मुनियों से कहा यह अंदर जाने का समय सही नहीं है। तब सनक नंदों ने कहा विष्णु दर्शन के लिए हमारी दृष्टि में कोई समय असमय नहीं होता। कहते हुए उनकी प्रवाह किए बिना जब वे अंदर जाने को उद्यत हो गए तब द्वारपालकों ने गदाएँ उठाकर उन्हें रोका। सनक आदि मुनियों ने उन्हें साप देते हुए कहा तुम में विष्णु द्वारकपाल बनने रहने की योग्यता नहीं है। राक्षस होकर जम लोगे। यह कोलाहल सुनकर द्वार खोलते ही विष्णु लक्ष्मी समेत वहां आए। जय विजय ने मुनियों के साप के बारे में उनसे कहा और अपना दुख व्यक्त किया। मुनिगण भी अपनी जल्दबाजी पर मन ही मन चिंतित हुए। तो विष्णु महापुराण चौथा अध्याय समाप्त हुआ। हम कल मिलेंगे पांचवा अध्याय के साथ। पसंद आ रहा हो तब प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।